नमस्ते पापा। भैया आपने खाना ऑर्डर किया? थैंक यू सो मच। खाना कोई बात नहीं भैया। तुम कहाँ थे अभी तक? तुम? मैं डांस करती हूँ। तुम्हारे पापा कभी भी ये नहीं चाहेंगे कि एक क्लब वाले मेरे घर में आए। तुम्हारे लिए इतना कुछ किया यार मैंने। पापा पापा दूर रहो यार, तुमने बुलाया ना पापा को? पापा वो क्या फेंका आपने, पता वो क्या है? ये काम करता है, रोजी रोटी है वो मेरी। ये चीज पहले सोचना चाहिए था। आप जो कर रहे हो ना वो चीज बहुत ज्यादा टाइम हो गया। 6 महीने तक वो अपने बाप से दूर रह रहा है। मैंने कुछ नहीं करा है, मैंने कुछ नहीं करा। क्या जरूरत था आपको ये सब बात बोलने की? कोई इंसान अगर अमीर है बचपन से तो उसकी गलती नहीं होती है, उसके माँ बाप के पास्ट में मेहनत होती है, समझे? वो ठीक है, ये चीजें होती है। वो ठीक है आपकी बात की मेहनत होती है, लेकिन हमारा जब लेवल है ही नहीं। एक मिनट, कॉल आ रहा है उन्हीं के पापा का। बात करो उसे, पूछो कहाँ पहुँचे हैं वो। हेलो, लाउड स्पीकर ऑन करना जरा। हाँ जी, मैं इसी वाले पार्क में हूँ जो हमारे रोड के पास, जो पार्क नहीं है बस उसी में हूँ, पहले वाला पार्क। अच्छा बेटा मैं आ रहा हूँ। ठीक है, देखो वो आएंगे तभी हम वीडियो स्टार्ट करेंगे। बाकी चीज़ें कितनी होती है दिक्कत, वो चीज़ तुम देख लो। अगर दीपाली यहाँ पे उसका बेटा उसको नहीं मिलता है तो तुम्हें प्रॉब्लम करेगा, हमें नहीं करेगा। जब मेरे पास है ही नहीं तो मैं कहाँ से दूँ? अगर तुम्हारे साथ है तो उसको लौटा दो ना। मेरे पास नहीं है। नमस्ते पापा। बेटा कहाँ पर रहा हूँ? मुझे नहीं पता। इतने दिनों से घर नहीं आया, मैं बहुत परेशान हूँ। मुझे सच में नहीं पता, मेरे उससे लास्ट टाइम ही बात हुई थी। बेटा तुम्हें सब पता है, बता दो मैं बेटा वो कहाँ पर है। उसकी माँ का बुरा हाल हो चुका है रो रो कर। मेरे से बस उस टाइम लास्ट बात हुई, मैं कह रहा हूँ मुझे नहीं पता, सच में नहीं पता मुझे। बेटा तुम्हें नहीं पता तो किसको पता होगा, मैं तो ढूंढ ढूंढ के पागल हो चुका हूँ, मुझे कहीं नहीं मिला वो। बैठ सकते हैं अगर बैठ के बात कर लेते हैं ना। ये कौन है? मैं बता रहा हूँ, आप बैठ जाओ, एटलीस्ट एक बार बैठ जाओ, फिर हम बैठ के हम लोग सब लोग कर लेंगे ना हल। आप अगर ढूंढ रहे हो तो हम भी ढूंढ रहे हैं ना उसे, हमारी बातचीत हो जाएगी अगर हम लोग हल करेंगे। अगर बैठ बता दो, बता दो बेटा, मैं बहुत परेशान हूँ, बात की परेशानी को समझो। अब रिलैक्स होके बैठ के आराम से बात करो। क्या है कि इस लड़की को मैं पिछले 1 घंटे से यही बात पूछ रहा हूँ, अगर तुम्हें पता है दीपाली उस लड़के के बारे में कुछ भी, मुझे नहीं पता रह रहा है क्या है, क्योंकि देखो तुमसे ज्यादा उसको कोई नहीं जानता है, वो क्या कर सकता है, कितना हद तक गिर सकता है या कुछ भी ऐसा, क्योंकि ये बंदा अलग अलग नंबरों से कितना कॉल करेंगे। ये भी तो परेशान हो रहे हैं ना। आप बैठो पहले। देखो अंकल, आप सोच रहे होंगे हम कौन है, आपको हम यही चीज़ पहले क्लियर कर देते हैं। जहाँ तक हमको दीपाली तक लगा कि 95% दीपाली सच बोल रही है कि राहुल आपका बेटा इसके साथ नहीं है। बेटा तो कहाँ गया फिर वो? घर भी नहीं आया वो, मैं इसको ढूंढ ढूंढ के परेशान हो चुका हूँ। इस चीज़ का आपको दे रहे हैं अंकल, देखिए सामने देखिए उधर कैमरा लगा हुआ है, ठीक है? कैमरा किसने लगाया? कैमरा इसने लगाया। मैं अपने कलंक में नहीं रह सकती, मेरे पे इल्जाम लगा रहा है। मैं कहां से? ये पूरा कन्फेस कर रही है कि इसका जो बेटा है राहुल वो इसके साथ नहीं है, और इस वीडियो को आप जैसे यूज करना है कर सकते हो। मुझे भी एतराज नहीं है, इसे भी एतराज नहीं है। रहा बात आपका बेटा कहाँ है, वो मैं अभी कॉल करूँगा। आप लोग तो हमेशा कॉल किए हो, मैं कॉल करूँगा अपने तरीके से। जोमेटो का काम करता है ना वो, अब मैं उससे खाना ऑर्डर करवाऊँगा तब तो यहाँ आएगा ना वो। अब देखो चीज़ें इतनी डिफिकल्ट होती है ना। तो बेटा बहुत परेशान हूँ, उसकी माँ बहुत परेशान है, मैं तो बहुत दुखी हो चुका हूँ। एक मेरा इकलौता लड़का है वो भी घर से गायब है। आप एक बार ना उसका नंबर बताओ मुझे, नंबर बताना आप। 97 बस इतना बताना कि उसका आवाज़ है या नहीं, ठीक है? हेलो। हाँ हेलो, राहुल जी बोल रहे हैं आप? उसी का आवाज़ है। हेलो, आवाज़ आ रही है? आप कौन भैया? मैं ना वो शिवाजी पार्क से बात कर रहा था। तो एक्चुअली मेरा ना डाटा नेट इंटरनेट ख़त्म हो चुका है, ठीक है? मेरा आज ही एक्सपायर हुआ, मेरे पास अभी जाने का, मैं एक्चुअली कुछ इम्पोर्टेंट वर्क कर रहा था पार्क में बैठ के। तो मुझे खाना पहुंचा सकते हो क्या आप? खाना? हाँ भैया खाना तो हम पहुँचा सकते हैं।
कोई दिक्कत नहीं ना, मैं ऑफलाइन कॉल किया हूँ आपको। नहीं नहीं दिक्कत नहीं, लेकिन एक बार मेरे को लोकेशन एक बार भेज देना भैया आप व्हाट्सएप पे। आप देखो खाना मेरा कुछ भी लंच ले लो आप, चावल ओवल कुछ भी, मैं आपको एक्स्ट्रा पैसा बढ़ा के दे दूंगा, ठीक है ना? ओके ठीक है, लेकिन आप मेरे को एक बार लोकेशन भेज देना जरा, ठीक है? लोकेशन मैं नहीं भेज पाऊंगा ना, नेट नहीं है मेरे पास, मैं एड्रेस बता रहा हूँ आपको। एड्रेस कहाँ का है? ओके ओके ओके, मैं देख लिया, मैं यहाँ जानता हूँ। हाँ ठीक है, अंदर आना, आप मुझे कॉल करना, ठीक है? ओके ओके, मैं थोड़ा देर में आ रहा हूँ, ठीक है? ठीक है ठीक है। कि कौन था ये? उसकी आवाज़ उसी की लग रही है मुझे, राहुल की। जोमेटो में काम कर रहा है? यही तो ये बताइए, तो विश्वास नहीं होता इसमें, मेरा कोई कसूर नहीं, मैं सच बता रही हूँ। उसने ऐसा किया क्यों, मुझे तो समझ नहीं, अपने घर क्यों नहीं वापस आया? वो तो मुझे कह रहे थे कि वो तुमसे मिलने गया है, तुमसे बात करनी थी, कुछ काम था उसके, कुछ, वो तो घर क्यों नहीं वापस आया? क्वेश्चन आप लोगों से करेंगे, आप लोग जवाब दोगे उसके आने से पहले? करो क्वेश्चन। हाँ जी बताओ। ठीक है, हेलो दोस्तों, मैं हूँ मासूम और हमारे साथ बैठे हैं अंकल, और ये है दीपाली। दीपाली एक्चुअली जो काम करती है ये पेशे से डांसर है, और ये बहुत ही बिजनेसमैन है, बहुत रिच फैमिली से। और अभी जिसके बारे में बात हो रही है उसका नाम राहुल है, जो इनका लड़का है, जो इनसे प्यार करते हैं, एक दूसरे से प्यार करते थे आज से 6 महीना पहले, और 6 महीना पहले तक ये एक दूसरे के साथ भी थे, लेकिन अभी 6 महीना से नहीं है। रीज़न क्या, एक एक चीज़ पहले हम दीपाली से बात करेंगे। लास्ट टाइम क्या भसड़ हुई थी आप दोनों के बीच, जो आप दोनों अलग हो गए, और वो इतनी रहीस ज़िंदगी, इतनी आलीशान ज़िंदगी, और अपने पापा अपनी फैमिली को छोड़ के वो क्यों चला गया जोमेटो का काम करने, एक बार पूरी डिटेल हमें ऑडियंस को बताओ। जब उससे मतलब मैं बात करती थी ना, तो मतलब हमारा लेवल नहीं है, मैं डांस करती हूँ क्लब में जाके, ठीक है, और वो इतनी अच्छी फैमिली से बिलोंग करता है, तो हमारा मेल नहीं है, ठीक है। मैंने उसे यही चीज़ बोली थी कि हम दोनों का कोई मैटर नहीं है, ठीक है, अब तुम अपने पापा के पैसों पे तुम जीते हो, ठीक है, और मैं डांस करती हूँ, तुम्हारे पापा कभी भी हम लोगों को ये रिश्ता नहीं अपनाएंगे। आप कितने दिन तक रिलेशनशिप में थे साथ में? हमारा दो ढाई साल से रहते हैं। हमने जब भी ये बात हुई है, मैं जिसको यही बात बोलती थी कि हमारा पर्सनल नहीं है साथ में रहना, ठीक है, तो वो कहता था नहीं मैं सब कुछ छोड़ दूंगा, ये है वो, उसने ऐसा बोला भी था। लास्ट टाइम मेरी उससे जब बात हुई थी तो मैंने उसे बोला था कि अपने पैरों पर खड़े हो तुम, ठीक है, अपने पापा के पैसों पर तुम जीते हो, बस उससे यही बात हुई। उसके बाद मेरा कोई कॉन्टेक्ट नहीं हुआ है उससे। आप दोनों की जो लास्ट भसड़ हुई थी आपकी और राहुल की, मतलब इसी बात पे कि तुम अपने पैरों पे खड़े हो, उसके बाद से तुम नहीं मिले उससे आज तक? नहीं। तो इनके पापा कैसे कॉन्टेक्ट किया आपको? इनके पापा का शक हो रहा है कि मतलब किसी से नंबर लिया होगा इन्होंने मेरा, उनके यार दोस्त थे, तो इन्होंने मुझे कॉल करके बोल रहा है कि मेरा बेटा दे दो। मैं कहाँ से दूँ, मेरे पास होता तो मैं ज़रूर इनको दे देती, पर मेरे पास है ही नहीं, मैं तो खुद नहीं जानती वो कहाँ है कहाँ नहीं है, मैं क्या बताऊँ इसमें। ठीक है, यहाँ पे मैं आपकी बात समझ गया। आप एक चीज़ बताओ, राहुल इसके साथ नहीं है, अगर होता भी है तो आप इसको एक्सेप्ट करोगे जो ये करती है काम? मैं कैसे एक्सेप्ट कर लूँ भाई, इनका हमारा क्या आपस में वो है? यही चीज़ मैंने उसे बोली थी। तो मतलब आप चाहते हैं जिंदगी भर आपका बेटा दूर ही रहे? अभी तो इसके पास है नहीं ये चीज़, मुझे भी समझ में आ चुका है। आप अभी भी बोल रहे हो अगर इसके साथ है, अगर ये दोनों को साथ देखना नहीं चाहते हो तो फिर आपका बेटा आएगा कभी वापस? अपने प्यार के वजह से वो जोमेटो बॉय जब बन सकता है तो ये वो कुछ भी कर सकता है ना? उसको समझाऊंगा बुझाऊंगा भाई, ठीक है अंकल आप जाओ, बाकी आपकी मैं समझ गया क्या चाहते हो आप जाओ, जब आपका बेटा यहाँ आएगा आप खुद अपने बेटे से मिल लेना, डिसाइड कर लेना, लेकिन हाँ इसकी गलती नहीं है, ठीक है ना? आप जाओ यहाँ से। इस इंसान को अभी भी यही लग रहा है। बताओ मेरे पास होता बस, बता रहे भैया मैं दे दे, मैं क्या करूँगी मैं उसका? देखो दीपाली रोना बंद करो, आप ही यहाँ से जाओ, आप उससे आके अचानक उसको क्या पता दूर से तुम्हें देख के वो चला जाए, इससे अच्छा आप यहाँ से जाओ, मैं उससे बात करता हूँ, अचानक बीच में आ रहा, ठीक है ना? मैं यहाँ चले जाऊँ? चले जाओ भैया, मैं तो पार्क में आ गया, आप किधर हो भाई? इधर देख सामने, इधर। अच्छा हाँ सामने सामने, हाँ आ गया आ गया। भैया आपने खाना ऑर्डर किया? थैंक यू सो मच, खाना ले, कोई बात नहीं भैया, दे दीजिए खाना, मैं ऑनलाइन कर दूँ, ये ऑनलाइन कर रहा हूँ, कैश कर देता हूँ, ठीक है? ओके कोई बात नहीं भाई, पता नहीं इंटरनेट आज अचानक से मेरा चल ही नहीं रहा है, सुबह से मैं ट्राई कर रखा हूँ। हाँ
अभी तक। तुम यहाँ पे क्या कर रही हो यार? मैं तुमसे पूछ रही हूँ तुम क्या कर रहे हो? ये मैं तो काम कर रहा हूँ इसको भैया, ये तो मेरी राहुल है, गर्लफ्रेंड है मेरी ये तो। आप लोग कुछ बात है तो बात कर लो, अगर कुछ बात है तो तुम बताओ क्या ये? तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं तो काम करने आ रहा हूँ, भैया का एक ऑर्डर था। तुम बताओ तुम ये क्या कर रहे हो? मैं तो अपना काम कर रहा हूँ ना, मैं तो अपना काम कर रहा हूँ यार, और तुम यहाँ कैसे? मेरे को ये बता। खाना बाद में दे देना, अगर कुछ बात है तो बात कर लो आप लोग, मैं जा रहा हूँ। ठीक है भैया, अगर कुछ मैटर है तो बात कर लो यार। पहले तुम यहाँ बैठो यार। तुम बता तुम यहाँ पे क्या कर रही हो यार? मैं आई थी किसी काम से, पहले बताओ तुम क्या रहे हो यार? मैं काम कर रहा हूँ, मैं काम कर रहा हूँ ना यार। काम तो तुम्हें यही काम मिला था, और पहले ये बताओ तुम चलो काम कर रहे हो लेकिन तुम थे कहाँ ये बताओ मुझे। रूम लेके मैं रहता था, ठीक है ना, अपने एक अकेले एक रूम लिया था सिंगल में, उसी में रहता हूँ। ये आपने ही तो बोला था तुम्हारे अपने पापा के पैसे पे ये करते वो करते अपना कुछ करो, तो इसलिए तो मैं अपना काम कर रहा हूँ ना, ताकि आगे बताना नहीं होता, ताकि मैं कुछ आगे बिजनेस करूँ ना, मैसेज कुछ भी नहीं यार। मैं अपने लाइफ में बहुत सीरियस हूँ, ठीक है, और तुमको पाने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ, ये चीज़ तुमको भी पता होना चाहिए। तो ये चीज़ नहीं होता, तुम अपना घर छोड़ के मत, घर पे तो कॉन्टेक्ट होना चाहिए ना। अरे क्या, जब अच्छे आदमी बन जाएंगे, पैसे वाला बन जाएंगे तो घर पे भी चले जाएंगे, इससे पैसे वाले बन जाओगे? हो जाएगा, देखो धीरे धीरे सब हो जाता है, ठीक है ना। कोई अच्छी नौकरी कर लो, तुम एक बार पापा के पास तो जाओ, तुम्हें अपने घर वालों की बिल्कुल भी याद नहीं आ रही है। हमको कहीं नहीं जाना यार। क्यों नहीं जाना? हमको सिर्फ तुम चाहिए, ठीक है ना, तुम्हारे सामने है ना। क्या और भी तो काम है दुनिया में, इतने इतने सारे। मेरी बात सुनो, हमने यही सोचा है कि मैं कैसे भी करके पैसा जमा कर लूँ, फंसेगा 11 लाख रुपया होते ही मैं अच्छा घर लूंगा और अपना बिजनेस करूंगा। तुम्हारे पापा अच्छी जॉब निकलवाते, इसमें क्या होगा तुम बताओ? पापा का सपोर्ट नहीं चाहिए यार, तुमने ही तो मेरे को स्टार्टिंग में बोला था ना के पापा के पैसे पे उड़ते हो, ये करते पापा के पैसे पे रहोगे, तो इसलिए तो मैं अपना काम कर रहा हूं ना। कि पापा के पैसे से हर ख्वाहिश पूरी होती है, पापा के साथ रहो, अच्छी जॉब करो, जरूरी इसमें करना है। इस टाइम जो मेरा काम का टाइम है, तुम बता तुम यहाँ कर क्या रही हो? मेरे को बस इतना बता दो सिर्फ। तुमको देख के मैं यहाँ पे परेशान हो गया हूँ यार, तुमको इस बार में बुलाया किसने मेरे को, इतना बताओ। मैं कैसे भी आई हूँ पर तुम यार क्यों आई हो पहले इतना बताओ ना। हमको पापा किसी से बात नहीं करना यार, तुम यहाँ कर क्या रही हो मेरे को बस इतना बता दो। मैंने तुम्हें बता दे मैं ऐसी आई थी, मुझे नहीं पता था कि तुम यहाँ पर आ जाओगे। भैया का मैं ऑर्डर लेकर आया था यार, मुझे क्या पता यहाँ तुम मिल जाओगी यार, तुम्हें देख के मैं चौंक गया यार। प्लीज कुछ तो करो यार तुम। यार देखो यार तुम समझो मेरी बात, पता है हमको काम करने दो यार, हमको अपना करियर बनाना है और तुमसे शादी करना है, पता है ना तुमको इसी। दिन रात मैं मेहनत कर रहा हूँ ताकि कुछ पैसा मेरे पास सेविंग हो जाए, मैं अच्छा घर ले लूँ, अच्छा बिजनेस करूँ। तुम्हारा मेरा कुछ भी नहीं हो सकता, तुम्हारे पापा कभी भी एग्री नहीं होंगे, तुम कितनी भी मेहनत कर लो। अरे मैं पापा को समझा लूंगा, इसीलिए मैं पापा से घर पे किसी से बात नहीं कर रहा हूं ना। तो 6 महीने हो गए हैं तुम्हारे को गए हुए, ना कोई कांटेक्ट है ना कुछ है, बस तुम्हारे पापा काम कर रहा हूं ना, 6 महीने काम कर रहा हूं ना, मैं दिन रात मेहनत कर रहा हूं सिर्फ तुमको पाने के लिए और कुछ नहीं। तो ये चीज अपने पापा को बोलो ना, तुम क्यों नहीं बोल रहे अपने पापा से? यार पापा मेरी बात नहीं सुनेंगे यार, तुम मेरी बात नहीं मान रही हो। इस चीज को भी अपनाएंगे नहीं, हमको देखो हमको किसी का सपोर्ट नहीं चाहिए, हमको सिर्फ अपने पैर पे खुद खड़ा होना है। तुमने ही बोला था ना कि अपने पैर पे खड़ा हो जाओ, बोला था कि नहीं तुमने? मैंने कही थी, मानती हूँ, ठीक है। तो फिर क्यों आज बोल रही हो? अपने पापा पापा को बोल के चलो ना, तुम्हारे को पापा का दुनिया में किसी का सहारा नहीं चाहिए, हमको सिर्फ अपने पैर पे खड़ा होना है। तुमने एक बार बोल दिया सो बोल दिया, हमको वही काम करना है बस, धीरे धीरे पापा को बता के चलो, ठीक है। तुम्हारे पापा मुझे कॉल करते मुझसे पूछते कि राहुल कहाँ है, मैं क्या बताऊँ, मेरे को क्या पता कहाँ है। मेरी बात सुनो, हम जहाँ पे हैं वहाँ खुश हैं, हमने वो तो मैंने तुम्हें आज देख लिया, तो वही तो मैंने तुम्हारे सामने आ गई। तुमको यहाँ किसने बोला कि मैं आ रहा हूँ आज, मेरे को इतना बताओ प्लीज। मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ रही हूँ, तुम अपने पापा के पास चले जाओ। मैं पापा के पास नहीं जाऊंगा यार, मेरी बात करो, हमको यार लाइफ में कुछ करना है यार, हमको करियर बनाना है यार, और मैं ये भी सोचा था 2025 तक अपना घर ले लूंगा यार और बिजनेस भी खड़ा कर लूंगा यार, तुम नहीं समझ रही हो यार। दिन रात मेहनत कर रहा हूं, एक एक पैसा सेविंग कर रहा हूं, किसके लिए? तुम्हारे लिए और किसी के लिए नहीं। तुम कह रही हो यार पापा के पास चले जाओ, बात कर लो। क्या बात करूँ, नहीं सहारा चाहिए ना हमें किसी का, तुम मेरी बात समझो। और चाहता हूँ कि 2025 तक सब चीज़ हो जाए और मैं तुमसे शादी कर लूँ। नहीं, मैं नहीं करूँगी शादी। क्या बोला तुमने? नहीं करूँगी मैं शादी। यार तुम क्या बोल रही हो यार, यार तुम्हारे लिए बताओ, दिन रात मैं मेहनत कर रहा हूँ यार, यार ऐसा मत करो यार, समझो ना। जिस चीज़ के लिए यार मैं तुम्हारे लिए दिन रात मेहनत कर रहा हूँ यार, जो चीज़ हो नहीं सकती ना उस चीज़ को क्यों नहीं हो सकती बताओ ना, हो सकती है ना? मैं नहीं करूँगी, छोड़ो मेरा प्रॉब्लम क्या है, मैं मेहनत तो कर रहा हूँ, देख तो रो
क्या काम कर रहा हूँ मैं, कैसा था कैसा हो गया पता है ना। मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती और ऐसी जिंदगी में नहीं रह सकती कि जिसका बाप इतना पैसा रहा, वो कभी भी हम दोनों को लेकर राजी नहीं होगा। ठीक है, मैं कहाँ तुम कहाँ, नहीं मैं डांस करती हूँ, तुम्हारे पापा कभी भी ये नहीं चाहेंगे कि एक क्लब वाले मेरे घर में आए। अरे प्यार में डांस वगैरह कुछ नहीं देखते हैं यार, बस प्यार होना चाहिए और दोनों तरफ से प्यार होना चाहिए। तुमको पता है ना हम तुमसे कितना प्यार करते हैं, वो पता है मुझे। प्लीज मान जाओ यार, समझो ना यार, 2025 तक हमको कैसे भी शादी करना है, घर वगैरह बिजनेस सब करना है यार, इसलिए हम अभी मेहनत कर रहे हैं। अभी मेरे को बहुत मेहनत की जरूरत है। क्यों नहीं करोगे बताइए, मैं तुम्हारे लिए तो कर रहा हूँ। पापा की मर्जी से शादी करो, बोला था मेरे को। हाँ मैंने बोला था, लेकिन अब नहीं। तुमने ही ना बोला था अपने पैरों पे खड़ा हो जाओ, उसके बाद मैं शादी करूंगी, फिर आज क्यों चेंज हो रही हो यार? मुझे माफ करो, मैं नहीं करूंगा यार, मैं माफ नहीं कर सकता यार, प्लीज आई रिक्वेस्ट यू यार, मैं तुमसे बहुत रिक्वेस्ट कर रहा हूँ यार, समझो मेरी बात को। मैंने भी कह दिया ना मैं नहीं करूंगी, बस। यार तू मेरी बात को क्यों नहीं मान रही हो यार, मैं दिन रात मेहनत कर रहा हूँ सिर्फ तुम्हारे लिए, अपना घर छोड़ दिया सिर्फ तुम्हारे लिए यार। तुम जा भी सकते हो अपने घर में यार, मेरे को नहीं जाना है यार, तुम बात क्यों नहीं समझ रही हो मेरा? मैं नहीं रहूंगी, प्लीज आई एम सॉरी। समझो ना यार, मेरे को काम करने दो, ठीक है यार? मेरे घर पे किसी का नहीं जाना है यार, हमको सिर्फ अपना दुनिया बनाना है और तुम्हारे साथ रहना है। अच्छा इसके लिए कुछ भी हो जाए, मैं अपना करियर बनाऊंगा तो बनाऊंगा। तुम करियर बनाओ, मैं कहता हूँ बहुत आगे बढ़ो, पर मैं शादी नहीं करूँगी। तो शादी क्यों नहीं कर सकती हो मेरे को इतना बताना, हम मेहनत तो कर रहे हो ना दिन रात, धीरे धीरे पैसा तो जमा कर रहा हूँ ना। तो ये चीज तुम्हारे पापा नहीं समझ पाएंगे ना, कितनी बार बोलो नहीं, हम दोनों का मेल नहीं है। सब समझेंगे यार, कोई नहीं समझता, अगर समझने वाले होते ना तो 6 महीने से तुम यहाँ पर हो ना, उसे कब के समझ जाते। कोई नहीं है, तो हम तो अपना करियर बना रहे हैं ना, हम तो दिन रात मेहनत करके पैसा तो पैसा हम कमा रहे हैं। लड़की का क्या है, लड़की तो फिर आती जाती रहेगी, लेकिन माँ बाप की जिंदगी में एक बार ही मिलते हैं। प्यार हुआ है, तुम बात समझो, तुम मेरी बात नहीं समझ रही हो यार, सिर्फ हमको तुमसे प्यार हुआ है और सिर्फ तुम चाहिए यार, समझो ना मेरी बात को, मेरी फीलिंग के साथ खेलो मत यार, इसे धोखा तो मत दो ना मेरे को। मैं कोई धोखा नहीं, 6 महीने से मैं बाहर होकर इतना काम कर रहा हूँ यार, दिन रात मेहनत करता हूँ। नहीं मना मत करो यार प्लीज, तो अपने मम्मी पापा की मर्जी से शादी करना यार, फायदा नहीं। तुम एक बार पापा से तो बात करके देखो एक बार, हमको किसी से बात नहीं करना है, तुम मेरी बात नहीं समझ रही हो, तुम्हारे लिए इतना कुछ किया है यार मैंने। पापा तुमने बुलाया ना पापा को, तुमने क्यों बुलाया पापा को यार? तुम्हारे पापा इल्जाम पे इल्जाम लगा रहे हैं मेरे पे कि तुम मेरे बेटे को छुपा के रखे हो, मैं काय को छुपा के। पापा को यहाँ क्यों बुलाया यार? पापा हमको छुओ मत यार, दूर रहो पापा, बात पापा दूर रहो यार, पापा छुओ मत मेरे को। तुम मेरे साथ चल बेटा, घर चल। पापा समझो यार, दूर रहो प्लीज, दूर रहो। 6 महीने से कहाँ गायब था, तेरी माँ का रो रो के बुलाया हो गया। पापा दूर रहो यार, तुमने बुलाया ना पापा को? पापा वो क्या फेंका आपने पता, वो क्या है? ये काम करता है, रोजी रोटी है वो मेरी। ये तू ये काम करता है, आपको अपनी बिजनेस से प्यार है ना? तेरे को शर्म बिल्कुल भी नहीं आई? आपको अपनी बिजनेस से प्यार है ये बता। बाप के ओहदे का कोई तेरे को शर्म लिहाज नहीं आया? जोमेटो में काम करना तुम्हारा क्या स्टेटस है, तेरे को कोई शर्म नहीं आई बिल्कुल भी? तू ये काम कर रहा है, ये काम कर रहा है? रोजी रोटी है पापा, रोजी रोटी है मेरी, ठीक है ना? और तुमने बुलाया ना पापा को, सही नहीं किया ये, सही नहीं किया। इसको तू छोड़ और तू घर चल मेरे साथ। पापा ये मेरी रोजी रोटी है, क्यों नहीं समझते हैं? अगर मैं ये काम नहीं करूंगा कल होके दुनिया थूकेगी मेरे पे, बेटा दुनिया कल होके थूकेगी। पढ़ा लिखा लड़का है तू, इसलिए थोड़ना कि तू इस काम करेगा, तू ऐसा काम करेगा। नहीं समझ रहा है, कल होके दुनिया थूकेगी मेरे पे, तू अपना बाप के टुकड़ों पे पलता है, नहीं समझते हो यार पापा? मेरा है वो, इसको सब कुछ तेरा ही तो है वो। अरे पापा नहीं समझ रहे हो यार आप, क्या नहीं समझ रहा मैं कि मुझको समझाना, क्या नहीं समझ रहा? जो मैंने इतने सालों में मेहनत करी, तो मैंने पैसा कमाया, उसको तेरा ही तो है, किसका? तुम पापा के पास चले जाओ, किसको लेकर जाऊंगा? मेरी खुशी के लिए आप इतना कर रहे हो, तो इससे मेरी शादी क्यों नहीं करा रहे पापा? मेरे को बस इतना बता दो, क्या कमी है? तो शादी नाच से और इसी तेरी शादी हो सकती है, पता एक बात, उसका कहा हमारा स्टेटस देख और उसका स्टेटस देख। मैं दिन रात मेहनत कर रहा हूँ पापा, मैं खुद कर लूंगा, ठीक है? तो मेरे साथ था, मैं तेरे को तुम अपने पापा के साथ में चले जाओ। पैसे की क्या चिंता है बेटा, तो ये काम क्यों कर रहा है? जो लाइफ तुम्हारे पापा दे देंगे ना, वो मैं नहीं दूंगी। पापा मेरी बात सुनो, जब इतना ख्याल रखते हो तो क्यों नहीं मेरी शादी से करा दे रहे हो, बता ना पापा? शादी तो नहीं कर सकती, कम से कम तू समझना बात को, वो हमारे लायक नहीं है। है पापा है, एक नाचने वाली हम, आप मेरे खुशी के लिए जब इतना कर सकते हो यार, जब इतना कर सकते हो, ये क्यों नहीं? ये भी तो मेरी खुशी है ना, वाली हमारे घर में कैसे एडजस्ट होगी? लेकिन पापा आप मेरी खुशी के लिए सब चीज करते हो ना, इतना बताओ। हाँ करता हूँ सब कुछ, ये भी तो मेरी खुशी है ना, तो आप क्यों नहीं कर रहे हो इसको? खुशी का मतलब ये थोड़ा ना हुआ कि तू नजायज बात करेगा। पापा देखो यार, मेरा यही काम है, यही बिजनेस है, मैं जा रहा हूँ। मेरी बात सुनो, तुम पापा के साथ चले जाओ। मैं नहीं जाऊंगा, काम कोई छोटा बड़ा नहीं होता है पापा। छोटे बड़े की बात, पापा मेरी बात सही समझ रहे हो यार, नहीं समझ रहा
तो मेरी इकलौती संतान है, सब जो मेरा सब कुछ तेरा ही तो है। क्यों रो रहा है बेटा तू, क्यों रो रहा है तू, क्यों परेशान है? मुझे बात नहीं समझ रहा है यार पापा, यार रो क्यों रहा है? मेरे को समझ नहीं आ रही तेरी बात बेटा, तू क्या बात नहीं समझ रहा है पापा? जब मैं उससे प्यार करता हूँ उसे शादी नहीं करा रहा बेटा। प्यार तू देख तो सही, वो हमारे लाइक नहीं है बेटा। लड़की हमारा स्टेटस देख, उसका स्टेटस देख, हमारे मतलब की नहीं है। अच्छे घर में तेरी शादी कराऊंगा मैं, क्यों रो रहा है बेटा? तुम एक काम करो बेटा, पापा कह रहे ना तुम वहाँ पर कर लो। मत रो यार पापा, अभी मत रो। माँ बाप तो बेटा मैं पहली छह महीने से परेशान हूँ, मैंने कहाँ कहाँ तेरे को नहीं ढूंढा, कहाँ कहाँ नहीं तेरे को ढूंढा। लड़की तो बहुत मिल जाएगी तुम्हें, लेकिन माँ बाप थोड़ी ना मिलेंगे। सही बात है, घर छोड़ने से क्या फायदा है बता, घर छोड़ने से हो जाएगा भाई? आपका तो मैंने ऑर्डर लेके आया था ना आपका। मेरी बात सुनो, मैं सब कुछ बता दूंगा, लेकिन अंकल हमको जानते हैं ठीक है। यहाँ तुम्हें बुलाने का सारा प्लानिंग था ठीक है, कोई ऑर्डर वॉर्डर नहीं करवाना था हमको खाना वाना ठीक है। पूरी बात समझो अच्छे से। अब तुम्हारी जो गर्लफ्रेंड है जिसको तुमने छः महीने से छोड़ा है, अपने माँ बाप को छोड़ा है, उस पर इल्ज़ाम लग रहा है कि मेरे बच्चे को तुम रखी हो, तो वो भी तो ये ब्लेम झेल रही है ना। लेकिन भैया देखो, मेरे पापा ये नहीं मान रहे ना इस बात को। सीधे पे पता है तुम क्या करना चाहते हो, तुम उससे शादी तो कर लोगे, लेकिन अपने माँ बाप का दिल दुखी करके कैसे शादी कर सकते हो? मैंने पापा को बहुत समझाया लेकिन पापा मान ही नहीं रहे मेरा बात। आपका बेटा आपके साथ रहेगा, आप अपनी बहू को एक्सेप्ट करते हो चाहे वो जो भी करती है, करते हो? अच्छा बोलो बोलो। देख भाई तू अपने गर्लफ्रेंड को एक्सेप्ट कर रहा है ठीक है, अगर ये शादी के लिए मान जाते हैं तुम इनके साथ रहोगे। अगर तुम इस चीज़ का हाँ करते हो तो मेरी बात गौर से सुनना, हम एक यूट्यूबर हैं और ये कैमरा इसने लगवाया है वहाँ देखो। अगर तुम दुनिया के सामने एक्सेप्ट करते हो अपनी बीवी को भी, गर्लफ्रेंड को भी, अपने पापा को भी, तो बोलो फिर ये रेडी है। कैमरा बंद करवा दो। लेकिन भैया ये सब अच्छा नहीं लग रहा है। कैमरा कोई बात नहीं बेटा, उससे कैमरा बंद करवा दो भैया। तुम बोलो घर आ जा बस, तू घर आ जा बेटा, पापा साथ रह लेंगे। मां बहुत परेशान है, पापा जब मान जाएंगे शादी के लिए कमरा रेडी है ना, रेडी है, शादी करा देंगे रेडी। पता या नहीं लग रहा, आप बताइए आप इनको एक्सेप्ट करते हो? ये अगर अपने गर्लफ्रेंड को आपके घर लेके आता है तो, अगर मेरे बेटे की इसी में खुशी है तो मुझे क्या परेशानी है? पक्का ना? तो आप अभी कुछ देर पहले मना क्यों कर रहे थे? हम कैसे मान जाए, आप कैमरे के सामने झूठ भी बोल रहे हो। क्योंकि मैं चाहता नहीं था पहले, लेकिन अब मेरा बेटा भी तो नहीं मान रहा ना। अब जब मेरा बेटा नहीं माना तो मैं क्या करूं फिर? मैं बेटे की तो हार माननी पड़ती है, मैं क्या करूं? मैं बताऊं, लाखों लोगों के सामने ये चीज़ एक्सेप्ट करते हो आप कि मेरी बहू है? हाँ मेरी बहू है, अब तो मेरी बहू है। हाथ उसके हाथ में रखो, इस चीज़ का अभी आप एक्सेप्ट करो प्लीज़। दीपाली तुम्हें कोई दिक्कत नहीं? मुझे कोई दिक्कत। पक्का ना साथ रहोगे? बेटा तू बस घर आ जा बस बेटा, मेरे को तो यही चाहिए। तेरी माँ को पता नहीं कितने दिन बचे हैं उसके, वो रो रो के उसका बुरा हाल है। बाबा थैंक यू पापा, आपने इतना समझा मेरे को। बेटा कम से कम बताना चाहिए था ना, तू जा रहा है, तू कहाँ गए, कहाँ नहीं है, हम इतने परेशान हुए, मैंने कहाँ कहाँ नहीं तेरे को ढूंढा। दीपाली देखो, अब आपके राहुल के जो पापा है वो भी एक्सेप्ट कर चुके हैं, तो आप साथ रहोगे ना? अभी बोल दो। हाँ। कैमरे चल रही है, मेरी रिकॉर्डिंग अभी भी हो रही है ठीक है ना राहुल? मेरी बात कल को कोई दिक्कत ना हो बस। देख भाई तेरी गर्लफ्रेंड भी तेरे साथ रहने के लिए रेडी है और तुम्हारे पापा भी उसको रखने के लिए एक्सपेक्ट कर रहे हैं। ये सब काम अगर तुम्हें करना है तो करो, मैं उसके लिए नहीं मना कर रहा हूँ। लेकिन अगर तुम्हारे पास बहुत सारे पैसे हैं तो तुम अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो, कुछ नया लाइफ स्टार्ट कर सकते हो। बस पापा मान गए तो मैं उन्हीं के साथ रहूंगा। तुम सामने में पूछ लो, अब मान गए ना पापा? हाँ बेटा मैं तो मैं आप ही के साथ रहूंगा और आपके बिजनेस में हाथ बटाऊंगा। हाँ बेटा बिल्कुल बेटा, मैं तो चाहता हूँ कि बस तू घर आ जा, कैसे भी आ जा घर। मैंने दोनों को अपना लिया बेटा, दोनों खुशी खुशी रहो, हमारे साथ रहो। थैंक यू पापा, आपने इतना किया मेरे लिए। मैं गलती की आपके लिए, सॉरी पापा। कोई बात नहीं बेटा, जो गलती हुई कोई बात नहीं, दे रहा है दुरुस्त है। गलती नहीं करूँगा ऐसा पापा कभी। और बेटा